वेलकम टू मैथ्स ग्रुप ERS और आज डिस्कस करेंगे क्लास टेंथ का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 8.2 का पहला क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हमें वैल्यू याद होना जरूरी है, सारे त्रिकोणमिति अनुपातों के जो कोणों के मान हैं वो याद होना जरूरी है। अगर आपको नहीं याद हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसे खोल करके सारी वैल्यूज निकालना भी सीख जाओगे और याद भी करना सीख जाओगे, जो उसे जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन 60 की वैल्यू रखेंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 इंटू कॉस 30। कॉस 30 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। करेंगे मल्टीप्लाई, दोनों का करो मल्टीप्लाई। रूट थ्री का मल्टीप्लाई आएगा 3/4 प्लस 1/4 आ जाएगा 3+1/4 यानी कि 4/4। 3+1 ऐड करो 4/4, 4 × 1 = 4 कितना आ गया 1। इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1। चलिए देखेंगे इसी का सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इसी में है 2 tan² 45 2 tan² 45 degree प्लस cos² 30 degree माइनस में है sin² 60 degree। रखेंगे सभी वैल्यू, 45 की भी रखेंगे, tan 45 की, और यहाँ पे रखेंगे cos 30 की, और यहाँ पे sin 60 की, सारी वैल्यू पुट करेंगे, देखते हैं। ये हो जाएगा 2 tan² 45, tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 का स्क्वायर प्लस cos² 30। देखिए cos 30 की जो वैल्यू होती है ना, cos 30 की होती है स्क्वायर रूट 3, और स्क्वायर कर रहा है तो स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर रूट 3/2 माइनस sin 60। sin 60 का भी वैल्यू यही होता है, sin 60 का वैल्यू कितना होता है स्क्वायर रूट 2/ ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 3/2 का होल स्क्वायर cos 30 की वैल्यू। अब देखिए ज़्यादा हमें सोचना नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं सोचना, ये प्लस का है और ये माइनस का है, सेम इसे काट दीजिए, प्लस और माइनस की दोनों वैल्यू सेम है ना, काट दो। ये प्लस का स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर है और ये क्या है हमारा स्क्वायर रूट 3/2 माइनस का, दोनों कट गए। यहाँ पे बचा 2 × 1 यानी कि वैल्यू आ गई 2 और ये हो गया हमारा आंसर। चलेंगे करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, जानदार और शानदार क्वेश्चन है ये भी, देखिएगा थोड़ी जगह ज़्यादा लेगा, रफ करते हैं इसे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, देखो थर्ड में है cos 45 डिवाइडेड बाई sec 30, कोई बात नहीं, sec 30 degree प्लस cosec 30 degree, कोई बात नहीं, देखते हैं इसे करेंगे। cos 45 क्या होता है 1/√2 डिवाइडेड बाई sec 30 cos 30 का क्या होता है रेसिप्रोकल, जो हमारी cos 30 की वैल्यू होती है वो क्या होती है √3/2, तो इसकी कितनी आ जाएगी 2/√3, कितना आएगा 2/√3 प्लस cosec 30 और sin 30। देखिए cosec 30 होता है sin 30 का रेसिप्रोकल, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, रेसिप्रोकल कर दो 2/1 यानी कि 2 आ गई, ये आ गई हमारी 2/1, कोई दिक्कत नहीं, काम करेंगे इस पर। ये हो जाएगा 1/√2, एक काम करेंगे, देखिए 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी है, कॉमन ले लो 2, तो ये आ जाएगा यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हमने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा 1/√3 प्लस 1, ये निकल गया 1/1 यानी कि यहाँ पे 1 ही बचेगा, सिर्फ 1 ही बचेगा। अब देखिएगा ये आ जाएगा 1/√2 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ ले लो LCM, LCM आएगा √3, नीचे LCM आएगा √3, तो ये आ जाएगा 1+√3। अब कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होता है और बाहर बाहर का, ठीक है, इनर इनर का मल्टीप्लाई और आउटर आउटर का मल्टीप्लाई कर दो,
इनका मल्टीप्लाई होगा तो रूट थ्री ऊपर पहुंच जाएगा, ये रूट थ्री हो जाएगा डिवाइडेड बाई टू, और ये हो जाएगा हमारा स्क्वायर रूट टू, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन, स्क्वायर रूट थ्री प्लस वन। आंसर आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन नहीं बुक का आंसर मैच करवाना है तो आप आगे भी चल सकते हो। चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, इसका परिमेयकरण करेंगे। करिए स्क्वायर रूट थ्री माइनस वन, परिमेयकरण करने के लिए क्या करते हैं, इसके संयुग्मे का ऊपर नीचे गुणा करते हैं। रेशनलाइज करने के लिए ये माइनस वन हो जाएगा, ऊपर नीचे गुणा कर दिया, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, अंडर रूट तीन का मल्टीप्लाई होगा अंडर रूट थ्री माइनस वन के साथ करिएगा, तो ये अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा तीन माइनस अंडर रूट तीन का वन के साथ होगा तो आएगा माइनस का अंडर रूट तीन डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट थ्री, टू स्क्वायर रूट टू है, टू है ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ब्रैकेट में आ जाएगा रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर कितना आएगा, थ्री माइनस वन यानी कि टू हो जाएगा, थ्री माइनस स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू स्क्वायर रूट टू इन टू, ये हो जाएगा थ्री माइनस वन, ये कट जाएगा, ये बनेगा थ्री, थ्री में वन जाएंगे तो टू बचेगा, टू का मल्टीप्लाई करो इसके साथ, टू का मल्टीप्लाई करो इसके साथ तो ये आ जाएगा थ्री, ये आ जाएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई फोर स्क्वायर रूट टू, फोर स्क्वायर रूट टू। एक काम करेंगे, स्क्वायर रूट टू से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे स्क्वायर रूट टू, इसको भी रैशनलाइज कर दें, स्क्वायर रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा थ्री माइनस स्क्वायर रूट थ्री इन टू में रहेगा हमारा रूट थ्री, सॉरी रूट टू, रूट टू से मल्टीप्लाई किया है डिवाइडेड बाई यहाँ पे दो आ जाएगा अंडर रूट दो गुणे अंडर रूट दो, दो हो जाएगा चार दुनिया आठ, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा एट, ये हो जाएगा एट, एट डिवाइडेड बाई एट आ जाएगा, यानी कि जो आंसर निकल के आएगा अगर आप चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, और मल्टीप्लाई कर लो थोड़ा सा आंसर और निखर के आ जाएगा, ये आएगा आंसर थ्री रूट टू का मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर रूट टू माइनस रूट सिक्स, रूट सिक्स डिवाइडेड बाई एट, ये हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। हालांकि आंसर करके हम यहाँ भी छोड़ सकते थे और हमें पूरे मार्क्स मिलते, कोई काट नहीं सकता था। चलिएगा करेंगे इसका चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन देखिएगा, चौथा क्वेश्चन है साइन तीस प्लस टेन पैंतालीस, साइन तीस प्लस टेन पैंतालीस माइनस कोसेक सिक्सटी डिवाइडेड बाई सेक थर्टी प्लस कोस सिक्सटी प्लस कॉट पैंतालीस, ये हो गया कॉट पैंतालीस। हमें क्या करना है, सारी वैल्यू पुट करनी है, सारे मान रखने हैं साइन तीस का, एक बटा दो प्लस टेन पैंतालीस का वन माइनस, देखिए कोसेक सिक्सटी, ये यहाँ पे कोसेक सिक्सटी है, साइन सिक्सटी, साइन सिक्सटी की वैल्यू क्या होती है स्क्वायर रूट थ्री बाई टू, तो इसकी क्या हो जाएगी टू बाई स्क्वायर रूट थ्री, क्या बात है, टू बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई सेक तीस, देखिए सेक तीस की वैल्यू होती है अंडर रूट तीन बटा दो, ये हो जाएगी दो बटा अंडर रूट तीन, दो बटा अंडर रूट तीन प्लस कॉस सिक्सटी, कॉस सिक्सटी की वैल्यू होती है वन बाई टू प्लस कॉट पैंतालीस डिग्री, कॉट पैंतालीस डिग्री की वैल्यू होती है वन। अच्छा एक काम करेंगे, हम थोड़ा सा काम करेंगे, वन और हाफ को दोनों जोड़ लो, जिसे जोड़ना नहीं आता वो इधर सीख सकता है, वन बाई टू एलसीएम लोगे कितना आएगा टू, और ये हो जाएगा वन टू प्लस वन यानी कि तीन बटा दो, और सीधा सीधा भी कर सकते थे जनरल मेथड से, व्यवहारिक गणित जिसे बोलते हैं, आधा और एक मिला के तीन बटा दो यानी कि डेढ़ होना था, डेढ़ मतलब कि वन बाई टू यानी कि थ्री बाई टू, या ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, बाकी आपकी स्वेच्छा के ऊपर डिपेंड है कि आप इसे क्या करना चाहते हो। तो ये तीन बटा दो हो जाएगा, कोई बात नहीं रख लिया इसे, तीन बटा दो माइनस दो बटा अंडर रूट तीन डिवाइडेड बाई, यहाँ पे तीन बटा दो आएगा, इसे पहले हम लिखेंगे प्लस
दो बटे अंडर रूट तीन, क्या बात है, दो बटे अंडर रूट तीन लिख दिया। अब क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, किसका, तीन बटा दो माइनस, हमें रेशनलाइज करना है, इसे रेशनलाइज करना है, ये हो जाएगा टू बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू माइनस टू बाई स्क्वायर रूट थ्री। ठीक, हमने क्या किया, इसकी संयुग्मित का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, इसके संयुग्मी से अंश और हर में गुणा कर दिया। अब देखिएगा मल्टीप्लाई करने के बाद ऊपर क्या बन रहा है, ऊपर तो होल स्क्वायर बन जाएगा, थ्री बाई टू, ऊपर क्या बनेगा, थ्री बाई टू माइनस टू बाई थ्री का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, नीचे देखो नीचे बन रहा है ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ये आ जाएगा तीन बटे दो का स्क्वायर, तीन बटे दो का स्क्वायर माइनस दो बटे अंडर रूट तीन का स्क्वायर, क्या बात है। ऊपर देखना, ऊपर क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्सपेंड करेंगे ऊपर, तीन बटा दो माइनस, एक बार लिख लेते हैं इसे, थोड़ा सा आसानी होगी, दो बटे अंडर रूट तीन का होल स्क्वायर, और ये नीचे का काम कर देंगे, ये हो जाएगा नौ बटे चार, तीन बटे दो का होल स्क्वायर हो जाएगा नौ बटे चार माइनस चार बटा तीन, माइनस चार बटा तीन, चार बटा तीन, कोई बात नहीं, काम शुरू करते हैं। आगे देखना, आगे देखना, यहाँ पे होल स्क्वायर को ओपन करेंगे, ये हो जाएगा नौ बटा चार प्लस दो बटा, यानी कि चार बटा तीन, ये भी हो जाएगा, स्क्वायर करोगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी की वैल्यू है हमारी दो बटा अंडर रूट तीन, ये काट दो, दो से दो, और ये अंडर रूट तीन से कटेगा, तो यहाँ पे अंडर रूट तीन बचेगा, क्योंकि तीन को हम लिख सकते हैं, तीन को लिखा जा सकता है अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन, तो एक तीन कट जाएगा इनमें से, अगर डिवाइडेड बाई अंडर रूट तीन है ना, तो एक कट जाएगा और एक बच जाएगा, जो बच जाएगा उसे घर ले जाएंगे। देखिएगा ये हो जाएगा चार बटे चार बटा नौ बटा चार माइनस, सॉरी प्लस में है, चार बटा तीन माइनस दो अंडर रूट तीन डिवाइडेड बाई, एलसीएम लेंगे नीचे, एलसीएम 12 आएगा, एलसीएम 12 मीन्स 12 आएगा, 12 एलसीएम ले लो, कितना आएगा, 9 त्रिक 27 27 माइनस 16, कोई बात नहीं, ऊपर भी एलसीएम ले लो, ऊपर भी एलसीएम 12 आएगा, 12 ऊपर भी एलसीएम आएगा, ले लो ऊपर एलसीएम 12 ले लो, 3 का मल्टीप्लाई होगा 27 प्लस 4 का मल्टीप्लाई होगा 16, और इधर 12 का मल्टीप्लाई होगा 12 दुनी 24, माइनस का हो जाएगा 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 27 में 16 घटाएंगे तो 11 बटे 12 आ जाएगा, और 12 से 12 को काट देंगे, बाकी समस्या सॉल्व करेंगे। अब देखिए इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, 6 7 13, और ये हो जाएंगे हमारी 3, एक आएगा रिमाइंडर, ठीक है, यानी कि एक कैरी आई, वो कितना हो जाएगी, 2 1 3 1 4 43 हो जाएगा, माइनस 24 अंडर रूट 3, अंदर अंदर का गुणा होता है, बाहर बाहर का, बाहर के कुछ बचा नहीं कि 12 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 12 कट गया तो हम क्या करेंगे, ये बाई डिवाइडेड बाई 11 आ जाएगा, और यहीं पे आंसर हो जाएगा, यहीं छोड़ दो, आगे ले जाने की जरूरत नहीं, और आगे जाएगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, चलिएगा करेंगे क्वेश्चन इसका पाँचवा, वो भी जानदार है, समझ में आया मंजीत, क्लियर, चलिएगा पाँचवा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन था ये, बेहतरीन था, आप और आगे पीछे ही छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में ये नहीं पता ना कि आंसर कितना आ रहा है, चलो यहाँ तो पता है, क्योंकि आदत होती है सब बच्चों की पीछे देखने की, तुरंत 5 cos² 60 degree प्लस 4 sec² 30 degree माइनस 10 square 45 degree डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 रखेंगे सारी वैल्यू पुट करो यहाँ पे, देखिएगा 5 cos² 60 की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है, 1/2 होती है का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 sec² 30 की क्या होती है 2/√3 का होल स्क्वायर माइनस 10 45
आपका वन हो जाएगा डिवाइडेड बाई, देखिए साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 30, इसकी जगह पे डायरेक्ट वन रख दो। आइडेंटिटी पढ़े हो आप, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन, ठीक है, इसकी जगह पे हम वन रख देंगे। अब देखना यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4, ये हो जाएगा 5/4 माइनस 4 गुणे, और ये हो जाएगा हमारा 4/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1। कोई दिक्कत नहीं थी, ये क्या हो गया 5/4 और ये 4 गुणे, ये 4 हो गया इसके साथ, इसका स्क्वायर किया हमने 2/3 का, 2 का स्क्वायर आया 4, 3 का रूट हट गया, 3 आ गया, माइनस का 1 है। काम करेंगे आगे, डिवाइडेड बाई 1, 1 की टेंशन छोड़ दो, डिवाइडेड बाई 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं। अब देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 5/4 माइनस 16/3 माइनस 1/1 ले लो, 1/1। अब एक काम करो 12 LCM ले लो, 12 LCM ले लो, 12 LCM, चलिए 12 LCM लेने पर ये हो जाएगा 15 माइनस 16 चौक 64, 64 हो जाएगा माइनस 12, ठीक है, 3 से भाग दोगे तो 3 का यहाँ पे 3 से करोगे तो यहाँ 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 हो जाएगा, माइनस का 12। अब क्या करो, काम कर लेते हैं, ये 15 में 3 को घटा लो तो 3 बच जाएगा यहाँ पे माइनस का, माइनस का 3 इसके साथ फिर से घट जाएंगे, ठीक है, यहाँ पे प्लस का 3 बचेगा, प्लस का 3 इसके साथ घटेगा तो माइनस का आ जाएगा 61/12, माइनस का 61/12। देखिएगा थोड़ी सी त्रुटि हुई है अपने से, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे भी प्लस ही रहेगा, और यहाँ पे भी प्लस रहेगा तो यहाँ भी प्लस रहेगा, तो ये माइनस वाली समस्या नहीं आएगी, और जो ये घट रहा था तो 3 उसके साथ जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 67/12 हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस का दिक्कत यहाँ पे हुई थी तो माइनस का क्या होगा, माइनस वाला प्लस ले लेंगे, यहाँ पे चिन्ह छूट गया था ये वाला, ठीक है, तो ये गलतियाँ हम नहीं करेंगे एग्जाम में, बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी होती रहती हैं गलतियाँ तो आप लोग नहीं करोगे। चलिएगा एक बार दूसरे के कुछ पार्ट है वो देख लीजिएगा, दूसरे के कुछ पार्ट हैं देख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2 का फर्स्ट देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 2 का फर्स्ट, वो लिखा हुआ है 2 tan 30, 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाई 1 plus tan square 30, 1 plus tan square 30 रखो, tan 30 का वैल्यू, 2 tan 30 का वैल्यू सबको पता है क्या होता है, 1/√3 इंटू 1 plus 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 plus 1/3, 1/√2 है, रूट थ्री है ना, इसका स्क्वायर होगा 1/2, 1/3 हो जाएगा, एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे एलसीएम लो 3 आएगा एलसीएम, ये हो जाएगा 3 plus 1 यानी कि 4, 3 plus 1 यानी कि 4, कुछ नहीं करेंगे, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई, चलो ये हो जाएगा 2 multiply 3 और हो जाएगा 4 multiply√3, ये हो जाएगा 2। अब क्या करेंगे, ऊपर देखो 3 लिखा ना, थोड़ी देर पहले 3 के बारे में बात हुई थी, 3 को लिख सकते हैं √3 into √3 डिवाइडेड बाई √3 और ये हमारा 2, इसको इससे काट दो, ये हो जाएगा √3/2। अब देखिए उसने कुछ दिया हुआ है कि ये किसकी वैल्यू होती है, sin 60, हाँ sin 60 की ही तो वैल्यू होती है, पहले ऑप्शन मैच कर गया, जो ऑप्शन मैच करेगा वो सही है, फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है, ये √3/2 किसकी होती है, 60, sin 60 जो ऑप्शन दिया गया उसे मैच करवा देंगे। चलिएगा थर्ड क्वेश्चन दिया गया, बड़ा जानदार क्वेश्चन है, लिखा हुआ है 1 minus tan square 45, 1 minus tan square 45 सेकेंड क्वेश्चन है इसी का, दूसरे का सेकेंड है, 1 minus tan square 45 डिवाइडेड बाई 1 plus tan square 45, वो ये कह रहा है कि बताइए किसकी वैल्यू के बराबर होगा, कोई बात नहीं हम रखेंगे, tan 45 की वैल्यू 1, 1 plus 1 और ये हो जाएगा 0/1 और ये हो जाएगा 0, ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सही होगा इसका डी, डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है 0 हो जाएगा। अगला देखना थर्ड, इसी में दिया गया है, थर्ड में दूसरे के थर्ड में दिया गया है sin 2a बराबर 2 sin a, तब सत्य होता है जब a बराबर होगा, अब देखना या तो
ये टू हो जाएगा, इसे ऐड कर लेना, टू होगा, और करोगे टू तब भी जीरो ही आएगा, डिवाइडेड बाई जीरो भी टू ही आएगा, कोई जीरो ही आएगा। अब देखना टू साइन ए बराबर दिया गया है, टू साइन टू ए बराबर दिया गया, टू साइन ए कह रहा है ये तब सत्य होता है जब ए बराबर क्या हो। चलो देखेंगे, ऐसे देखो इधर साइन टू ए का फार्मूला लगाना, ये होता है हमारा टू साइन ए कॉस ए, टू साइन ए कॉस ए, और इधर में क्या दिया गया है बराबर में है हमारा टू साइन ए। हम एक काम करेंगे इसको इधर ले आएंगे, ये आ जाएगा टू से टू, जाना हो तो काट दो, दोनों तरफ से टू काट दो, ये साइन टू ए का फार्मूला होता है टू साइन ए इंटू कॉस ए, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन ए इज इक्वल टू साइन ए। एक काम करेंगे इसको इधर लाएंगे, साइन ए कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल टू जीरो। एक काम करेंगे साइन ए कॉमन लेंगे, साइन ए कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, दो फैक्टर हो रहे हैं। एक बार हम क्या करेंगे साइन ए को जीरो के बराबर लेंगे, तो साइन ए बराबर हो जाएगा साइन जीरो। आपको पता है इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी जीरो, कितनी हो जाएगी ये ए की वैल्यू जीरो डिग्री आ गई। इसके पास ये वाला फैक्टर देखते हैं यहाँ से क्या आता है, कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, कॉस ए माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ए इज इक्वल टू वन, माइनस का वन है उधर ले जाओ, प्लस का वन हो जाएगा। अब इसके बाद कॉस ए बराबर हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू होती है वन, और यहाँ से भी निकल के आ जाएगा ए बराबर जीरो, ए बराबर जीरो, और यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन दिया गया है ए, ए ऑप्शन सही होगा, ठीक है ए ऑप्शन सही होगा। चलिए और ले लो स्क्रीनशॉट, देखते हैं फोर्थ, फोर्थ देखना, इसी का फोर्थ क्वेश्चन देखना, टू दूसरे का चौथा दिया गया है टू टेन तीस, टू टेन थर्टी, टू टेन थर्टी डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, वन माइनस डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थर्टी, टेन थर्टी का वैल्यू रखेंगे, टेन थर्टी का जो वैल्यू होता है वो होता है टू इंटू वन बाई स्क्वायर रूट थ्री, और वन माइनस टेन स्क्वायर तीस, वही टेन थर्टी की ही वैल्यू रखनी है यहाँ पे भी, ये हो जाएगा वन बाई स्क्वायर रूट थ्री का स्क्वायर, ये हो जाएगा टू बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई वन माइनस वन बाई थ्री, सब्ट्रैक्ट कर लो इसे, तो ये आ जाएगा टू बाई स्क्वायर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू बाई थ्री, टू बाई थ्री यहाँ पे एलसीएम लोगे थ्री आएगा, थ्री माइनस वन बाई थ्री, थ्री माइनस वन बाई थ्री यानी कि टू बाई थ्री। एक काम करेंगे अंदर अंदर का मल्टीप्लाई होगा और बाहर बाहर का मल्टीप्लाई होगा, देखते हैं दो बटा गुणा तीन हो जाएगा और ये तीन गुणा हो जाएगा अंडर रूट तीन, कुछ नहीं करेंगे काट देंगे, और ये हो जाएगा अंडर रूट तीन को फिर से लिख दो, अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन, ऊपर वाले को लिख सकते हो अंडर रूट तीन को अंडर रूट तीन गुणे अंडर रूट तीन, और ये हो जाएगा अंडर रूट तीन से एक अंडर रूट तीन काट दो, ये हो जाएगा टेन तीस, और टेन तीस किसका वैल्यू हो, अंडर रूट तीन किसका वैल्यू होता है टेन सिक्सटी, टेन सिक्सटी का वैल्यू होता है। ऑप्शन कौन सा सही होगा सी, ऑप्शन कौन सा सही होगा सी। चलिएगा यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं, तीसरा क्वेश्चन